यह आकाशवाणी है। नमस्कार, आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित उल्हास बापट का संतूर वादन। सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित उल्हास बापट, सरोदवादिका विदुषी श्रीमती जरीन शर्मा, पंडित के जी गिंडे और पंडित वामन राव सडोलीकर के शिष्य हैं। पंडित बापट एकमात्र ऐसे संतूर वादक हैं जिन्होंने संतूर की क्रोमेटिक ट्यूनिंग की तकनीक अपनाई और संतूर से मींद के स्वर के लिए सर्वप्रथम बदलाव किया और इस बदलाव से संतूर को संगीत उत्सवों में भी और कर्णप्रियता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की है। और इस विशेष तकनीक के कारण आपके संतूर वादन की प्रस्तुति में भी विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। यह बदलाव आपके नाम पर पेटेंट है। आपने देश विदेश में अपने संतूर वादन से ख्याति अर्जित की है। चीन में आयोजित द प्रेसिडेंट मीट 2000 में आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। पंडित उल्हास बापट के संगीत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगदान के अलावा आपने अपनी रचनात्मक क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन किया है। नृत्य नाटिका गैंगेस टू नील में आपने नृत्य रचनाओं को संगीतबद्ध किया और अनेक संगीत एल्बम आपके नाम पर हैं। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री प्रसाद पाध्ये। कार्यक्रम का आरंभ पंडित उल्हास बापट संतूर पर राग श्याम कल्याण से कर रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला के पश्चात मध्यलय गत जो कि रूपक ताल में तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। Welcome to the National Program of Music. Tonight we bring you the Santoor recital by Pandit Ulhas Bapat, a musician with exquisite artistry, a highly accomplished Santoor player who has made his mark in the competitive world of music. He is the disciple of Sarod Maestro Srimati Zareen Sharma, Pandit K.G. Ginde and Pandit Vaman Rao Sadolikar. Pandit Bapat is the only santoor player who has adopted the technique of tuning the instrument in chromatic structure and has pioneered a modification which enables him to reproduce a meend on santoor. This patented innovation has helped to further the frontiers of santoor to make it more appealing as a concert instrument. And this unique technique brings a masterly individuality in his performances. He has performed at many prestigious concerts all across India and abroad. He was invited to participate in the President's Meet 2000 that was held in China. Apart from his contributions to the international music as a musician, an impetus for his creativity was his composition for a dance script, Ganges to Nile. He has to his credit many music albums. Tonight he is accompanied on the tabla by Shri Prasad Padhye. He begins his santoor recital with rag Sham Kalyan, Alap Jod Jhala, followed by Madhyalai Gat, set to Rupak Tal, and Drut Gat, set to Teen Tal. Thank you.
अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट से संतूर पर राग श्याम कल्याण। अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग सरस्वती, जिसमें आलाप झोड़ झाला के पश्चात मध्य लयगत नौ मात्रा की प्रतीक ताल में तथा द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री प्रसाद पाध्ये। That was राग श्याम कल्याण। Now पंडित उल्हास बापट presents राग सरस्वती, आलाप जोड़ झाला, followed by मध्यलय गत set to प्रतीक ताल of 9 bits and द्रुत गत set to एक ताल। Accompanying him on the tabla is Shri Prasad Padhye.
अभी आपने सुना राग सरस्वती। पंडित उल्हास बापट अपने संतूर वादन का समापन मिश्र किरवानी धुन से कर रहे हैं, जो कि खेमटा ताल में निबद्ध है। यू वर लिसनिंग टू राग सरस्वती। पंडित उल्हास बापट कंक्लूड्स हिज संतूर रिसाइटल विथ मिश्र किरवानी धुन सेट टू खेमटा ताल।
मिश्र किरवानी धुन के साथ आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन संपन्न होता है। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री प्रसाद पाध्याय। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र पर ध्वनिंकित किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। विद द मिश्र किरवानी धुन वी कंक्लूड द संतूर रिसाइटल ऑफ पंडित उल्लास बापट इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। Accompanying him on the tabla was Shri Prasad Padhye. This program was recorded in the studios of All India Radio, Mumbai. And this broadcast came to you from All India Radio, Delhi.